दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ समय में भारत में इंटरनेट और गेमिंग की ग्रोथ सबसे ज्यादा रही है। यही कारण है कि दुनिया में चाइना के बाद से इंडिया दूसरा ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। और इन सब के बीच वीडियो गेमिंग का कल्चर ऐसा चला कि आज न केवल भारत बल्कि पूरे वर्ल्ड में गेमिंग का भी अपना एक अलग ही करियर बन चुका है। कंप्यूटर्स और कॉन्सोल्स पर गेमिंग पिछले 20 सालों से भी ज्यादा से होती आ रही है, पर मोबाइल गेमिंग का चलन अभी हाल ही में शुरू हुआ है। कहने को तो पहले भी मोबाइल में गेम्स हुआ करते थे, पर फ्री फायर और पबजी जैसे गेम्स की बदौलत ही मोबाइल गेमिंग के अराउंड एक कम्युनिटी बन सकी है। और ये कम्युनिटीज इतनी स्ट्रांग और इन गेमिंग कंपनीज के लिए इतनी लुक्रेटिव होती हैं कि ज्यादा से ज्यादा गेमिंग कंपनीज अपने रिसोर्सेज पीसी या कॉन्सोल गेम से हटाकर मोबाइल गेम्स में लगा रहे हैं। हालांकि तारीफ यहाँ पर इन गेम डेवलपर्स की भी करनी होगी, क्योंकि ये गेम्स ना तो पहले की तरह बोरिंग हैं और ना ही लो ग्राफिक्स के हैं, बल्कि ये काफी हाई एंड टेक्नोलॉजी और अच्छे ग्राफिक्स के साथ बनाए गए हैं, जिस वजह से हर दूसरा टीनेजर इन गेम्स का दीवाना है। आज की इस वीडियो में हम फ्री फायर गेम के बारे में बात करने वाले हैं, जो लॉन्च होने के बाद से ही लोगों का पसंदीदा गेम बन गया। और आज इस गेम की पॉपुलैरिटी इतनी है कि इस गेम को खेलने वाले गेमर टोटल गेमिंग इंडिया के मोस्ट सब्सक्राइब्ड गेमिंग यूट्यूबर बन चुके हैं। अगर आप गेम्स खेलने के शौकीन हैं तो आपको इस गेम के बारे में जरूर पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि फ्री फायर में 50 प्लेयर्स को पैराशूट की मदद से एक आइलैंड पर उतारा जाता है, और इस आइलैंड पर सभी प्लेयर्स को एक दूसरे से लड़ते हुए आखिर तक टिकना होता है, और जो व्यक्ति आखिर तक मैच में बना रहता है वो इस गेम का विनर बन जाता है। आप इस गेम को चाहें तो अकेले भी खेल सकते हैं या फिर 4 लोगों की टीम बनाकर भी इस गेम में उतर सकते हैं। जाहिर तौर पर ये दूसरे बैटल रॉयल गेम जैसा ही है। वैसे तो ये गेम पबजी की तरह ही है, लेकिन इस गेम के ग्राफिक्स, डिजाइन और फीचर्स इसको पबजी से अलग बनाते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई गेम प्ले के बारे में बात। चलिए अब जान लेते हैं कि इस गेम की शुरुआत कैसे हुई और इसे किसने बनाया है। फ्री फायर को बनाने वाला कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं है, बल्कि इसको बनाया है गैरेना नाम की एक कंपनी ने। हालांकि इस गेम को बनाने का मुख्य तौर पर श्रेय जाता है फॉरेस्ट ली को। दोस्तों, गैरेना कंपनी की स्थापना 2009 में हुई थी और ये कंपनी सिंगापुर में स्थित है और मुख्य तौर पर ई कॉमर्स, गेमिंग, ई स्पोर्ट्स और डिजिटल फाइनेंस सेक्टर में काम करती है। गैरेना कंपनी फ्री फायर गेम को बनाने से पहले भी बहुत सारे पॉपुलर गेम्स को बना चुकी है, जिनमें फीफा ऑनलाइन 3, एरेना ऑफ वैलोर, हेडशॉट, कॉन्ट्रा, फायरफॉल, लीग ऑफ लेजेंड्स जैसे अनेकों पॉपुलर गेम्स शामिल हैं। फ्री फायर गेम को लॉन्च करने से पहले गैरेना कंपनी इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं थी, लेकिन 2017 में जब से गैरेना कंपनी ने फ्री फायर गेम को मार्केट में उतारा, उसके बाद से कंपनी को एक अलग ही पहचान मिली। फॉरेस्ट ली, जो कि गैरेना कंपनी के मालिक हैं, उन्हीं के दिमाग में सबसे पहले फ्री फायर गेम को बनाने का आइडिया आया था। फॉरेस्ट ली ने जब ये देखा कि पबजी गेम, जो कि 2017 तक केवल पीसी और एक्सबॉक्स के लिए अवेलेबल था, लोग उसे बहुत पसंद कर रहे हैं, और इसी बीच उन्हें ये आइडिया आया कि पबजी जैसा ही एक बैटल रॉयल गेम वो मोबाइल फोन यूजर्स के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन वो इसको मार्केट में दूसरे गेम जैसे कि पबजी और फोर्टनाइट से बेहतर बनाना चाहते थे। उन्होंने नोटिस करा था कि पबजी गेम में बहुत ज्यादा ग्लिचेस होते हैं और उसके हाई ग्राफिक रिक्वायरमेंट्स की वजह से वो गेम मिड रेंज फोन्स में ढंग से नहीं चल पाता। ऐसी ही कई और प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फ्री फायर को ऐसा बनाने का सोचा जो हर फोन में चल सके, फिर चाहे वो एक मिड रेंज फोन ही क्यों ना हो। इसी के साथ वो अपने गेम को साइज में भी कम से कम रखना चाहते थे। इसी आइडिया को ध्यान में रखते हुए गैरेना की दो पेरेंट कंपनीज 11 डॉट्स और ओमेन स्टूडियो को फ्री फायर गेम के डेवलपमेंट का काम दे दिया गया। फ्री फायर गेम को जब बनाया जा रहा था तो इसको साउथ अमेरिकन कंट्रीज की मार्केट्स की जरूरतों के हिसाब से बनाया जाना था। काफी कम समय में उन्होंने इसका बीटा वर्जन भी लॉन्च कर दिया और फिर आखिरकार 4 दिसंबर 2017 को फ्री फायर को वर्ल्ड वाइड एंड्रॉयड और iOS के लिए लॉन्च करा गया। फ्री फायर गेम का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल पबजी गेम जैसा ही था, लेकिन फॉरेस्ट ली ने इसके ग्राफिक्स और डिजाइनिंग में काफी अच्छे और महत्वपूर्ण बदलाव किए थे, और 2017 में लॉन्च होने के बाद से ये गेम 22 देशों में नंबर 1 गेम बन गया। फ्री फायर के लॉन्च होने के बाद से दुनिया के सभी बैटल रॉयल गेम्स बनाने वाली कंपनीज की नजर इस गेम पर पड़ गई। वो देखना चाहती थी कि इस तरीके के गेम्स को मोबाइल फोन मार्केट्स में कितनी सफलता मिल सकती है। कुछ ही समय में फ्री फायर के सक्सेस से दूसरी कंपनीज को भी ये रियलाइज हो गया था कि मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री को भी बहुत अच्छे से कैपिटलाइज करा जा सकता है, और तभी से कई और मोबाइल गेम्स जैसे कि पबजी मोबाइल, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल और फोर्टनाइट मोबाइल जैसे गेम्स लॉन्च हो गए। और आज की तारीख में फ्री फायर के प्ले स्टोर पर 500 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं। फ्री फायर गेम के लॉन्च होने के बाद से ही इसकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई,
जिस वजह से 2019 में दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला मोबाइल गेम भी बना। अपनी बढ़ती लोकप्रियता के चलते इस गेम को गूगल प्ले स्टोर की तरफ से 2019 में बेस्ट पॉपुलर वोटेड गेम का अवार्ड भी मिला। जब बैटल रॉयल गेम्स केवल पीसी और एक्सबॉक्स के लिए अवेलेबल हुआ करते थे, तब फॉरेस्ट ली ने उन्हीं गेम्स को मोबाइल पर लाने के मकसद से फ्री फायर गेम की शुरुआत करी और आज ये गेम करोड़ों गेमर्स का पसंदीदा गेम बन चुका है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो से फ्री फायर गेम के बारे में काफी कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। धन्यवाद।